दोस्तों जय हिंद। आज के जीके वन लाइनर्स और करंट अफेयर्स। हाल ही में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो 80th ग्रैंड मास्टर बने हैं विग्नेश एनआर। और ग्रैंड मास्टर शब्द जो है वो शतरंज यानी चेस में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, हाल ही में दिवंगत CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, जिनकी डेथ हो गई थी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, के सम्मान में किस देश के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई है? तो ये लगाई गई है श्रीलंका में। नेक्स्ट, हाल ही में किसे PSU इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक यानी MD के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है राजेश रॉय को। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म साइन किया है, ये किया है मीशो के साथ, MEESHO मीशो। हाल ही में कौन सा संस्थान संक्रामक रोगों और महामारी यानी कम्युनिकेबल डिजीज और एपिडेमिक्स की तैयारी के लिए एक्सीलेंस केंद्र स्थापित करेगा? तो ये करेगा सीरम इंस्टीट्यूट हैदराबाद में। और सीरम इंस्टीट्यूट ने ही जो है कोविड की वैक्सीन बनाई है भारत में। APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट व्हीकल मिशन 2023 को कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु के पट्टी पोलम में। हाल ही में 20 विश्व कप के इतिहास में 1000 रन यानी T20 वर्ल्ड कप लिखना था इन्होंने, 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बनी? ये महिला है, सूजी बेट्स, न्यूजीलैंड की प्लेयर है। भारत जापान के बीच चौथा सैन्य अभ्यास यानी भारत और जापान के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज है एक्स धर्मा गार्जियन 2023 कहां पर आयोजित किया गया? तो शिंगा प्रोविंस इन जापान, यानी धर्मा गार्जियन जो एक्सरसाइज है 2023 की, ये भारत और जापान के बीच में जापान में ही हो रही है। कैबिनेट ने योग्यता प्रशिक्षण और पारस्परिक मान्यता के लिए ICAI और किसके बीच में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ये दिया है ICA इंग्लैंड एवं वेल्स के लिए। और आज का सवाल, प्रतिवर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, 17 फरवरी, 18 फरवरी, 20 फरवरी और 21 फरवरी। तो इसका राइट आंसर होगा 20 फरवरी के दिन। थैंक यू। जय हिंद।